स्टूडेंट शामिल थे उस 45 का मतलब रैंक जारी कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिसका लास्ट से हम जारी कर रहे हैं रैंक, उनका लास्ट नंबर पे है हर्ष कुमार, 34 मार्क्स है। तालियां बजाए थोड़ा से। तुलसी कुमारी 37 मार्क्स है। लीजिए सेम नंबर है आकाश कुमार 37। आ जाइए। शूटर अजय 42 मार्क्स है। मिथिलेश कुमार 44 मार्क्स है। अभिषेक कुमार 46 मार्क्स है। कौन है अभिषेक कुमार? आ जाइए। धीरज कुमार पासवान 49 मार्क्स है। तालियां बजाइए। उदय अग्रवाल 53 मार्क्स है। गौरव कुमार 58 मार्क्स है। लीजिए। विक्रम कुमार 60 मार्क्स है। नाम आगे लिखा करो, पीछे नहीं। जय 61। जय आर्यन अमन, सॉरी आर्यन 62। आर्यन कौन है? छवि कुमार 65। 65 अमरजीत कुमार 72। दीपक कुमार 72। आदित्य कुमार 76। आदित्य अमन कुमार 76 मार्क्स है। लीजिए। रविंदर कुमार 78 मार्क्स है। जिम्मी सुमन झा, ये जिम्मी कौन है? 82 मार्क्स है। मेरा 84 मार्क्स है। मनीष कुमार 84। बबलू कुमार 86 मार्क्स है। काशी 89 मार्क्स है। काशी कुमार ढंग से। नरेश कुमार 89 मार्क्स है। सेम है, थोड़ा सा चप्पल देखिए। विद्या सरस्वती के आगे में चप्पल चला रहे। मनीष यादव 90 मार्क्स है। मनीष यादव, सॉरी नीतीश यदुवंशी है, 90 मार्क्स है। वो साइन किया हुआ है, गलती हो गया। रमन जी यादव 91 मार्क्स है। राजकुमार पंडित 94 मार्क्स है। मोनू कुमार 94 मार्क्स है। मोनू कुमार, राजीव 95, एसके और अभिषेक 97 मार्क्स है। तालियां बजाएं दोनों आदमी। गोविंद कुमार 97 मार्क्स है। चंदन शर्मा 99 मार्क्स है। थोड़ा 100 से ज्यादा मार्क्स है उनके लिए, तालियां बजाइए थोड़ा सा। एक बार पहले बोलने से पहले ही बजाइए। राजू कुमार 100 मार्क्स है। तालियां बजाइए थोड़ा बढ़िया से। संदीप 102 मार्क्स है। निक्की कुमारी 104 मार्क्स है। तालियां बजाइए थोड़ा सा।
मजाक नहीं करिए। राहुल कुमार 107 मार्क्स है। ओपे ओम प्रकाश 110 मार्क्स है। तालियां नहीं बजा रहे हैं आप लोग। कैमरामैन लक्ष्मण कुमार आ जाइए 110 मार्क्स है। उसमें लोड है। टॉप थ्री में सबसे मार्क है। अच्छा अच्छा चलिए टॉप थ्री है। आज हमारे टॉपर हैं। नहीं 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 थ्री को हटा ही दीजिए। हाँ नहीं नहीं नेगेटिव देख लेते हैं कि जिसका नेगेटिव ज़्यादा होगा उसको हम ले लेंगे ना। नेगेटिव जिसका ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे। 23 फुल से इनका इसके भी पीछे इनका 28 फुल से देखो देखो। विकास झा 111 मार्क्स है। नेगेटिव के कारण इनका वैसे पोजीशन इसका थर्ड ही था। नेगेटिव के अनुसार नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उनका थोड़ा सा पीछे चल गया, इसी कारण से उसका तो टॉप थ्री में नहीं आ पाया। और टॉप थ्री में जो मनीष झा है इसका नेगेटिव कम था विकास झा से, इसी कारण से इसको टॉप थ्री में ले लिया गया है। ठीक है तो मनीष झा टॉप थ्री के रैंकर्स है, टॉप थ्री में आए हैं। मनीष जी बताइए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आज के बारे में। क्वेश्चन ठीक इधर देखिए कैमरा इधर देख रहा है। क्वेश्चन ठीक था लेकिन मैथ रीजनिंग थोड़ा हमको जो एग्जाम देखा है आरआरबी एनटीपीसी सब का उसके अनुसार से हमको थोड़ा बहुत हल्का लगा। तो आपके हिसाब से मैथ रीजनिंग में क्या कुछ बताइए। मतलब थोड़ा टाइम टेकन होना चाहिए, जैसे कि टाइम टेकन सवाल होना चाहिए जो आज के डेट में चल रहा है। मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। एडवांस मैथ इसमें तो एडवांस नहीं है तो मतलब कैसे आ जाएगा ट्विस्ट। अर्थमेटिक में जैसे कि आज के डेट में सिंप्लीफिकेशन डाल देता है, मतलब थोड़ा पॉइंट वाला या उस टाइप का सवाल सब होना चाहिए जो। अच्छा ट्विस्ट। चलिए ठीक है टॉपर हमारे मनीष झा है। कितना मार्क्स लाए हैं? 111 मार्क्स लाए हैं। आ जाइए टॉपर टॉप टू लाइए। और अमित पासवान जो हमारे सेकंड टॉपर है उनके लिए तालियां थोड़ा सा गड़गड़ाहट होनी चाहिए, अच्छा से होना चाहिए। लगातार बीआरएसएससी में सेकंड स्थान पे दो दिन आए हैं। इधर से आ जाइए सर, बैक से आइए, बैक से कैमरा को नहीं इधर से आइए सर। थोड़ा बताइए, हंसी नहीं मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है बताइए सर क्वेश्चंस के बारे में बताइए कुछ। क्वेश्चन हमको लगा मैथ रीजनिंग में कुछ जान ही नहीं था, यानी कि एक फेज वाला होता वो फेज मैथ था रीजनिंग था है ना। तो हम पूरा का पूरा आइटम लिए थे और साइंस में भी उतना वो नहीं था। कुछ क्वेश्चन था स्टैटिक जीके जिसमें लगा था वो है ना। बाकी आपके हिसाब से इस तरह का अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो कितना कट ऑफ होना चाहिए? जो बच्चे को 100 से कम मार्क्स आया है और 100 प्लस आया है उन लोगों के लिए कुछ बताइए पहले। 120 के आसपास होगा। इस तरह का क्वेश्चन आया तो 120 कट ऑफ होना चाहिए। नहीं, जिसका 19 मार्क्स से कम आया उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं कैमरा के अंदर? 19 कम नंबर आया तो कहीं ना कहीं तैयारी अच्छा है ना, उसको और मेहनत करने की जरूरत है ना। हाँ जिस सेक्टर में गलत है उनको उस सेक्टर में मेहनत करने की जरूरत है। नहीं ठीक है, तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा मतलब पोर्शन में और थोड़ा सा मार्क्स जुड़ना चाहिए? मतलब मार्क्स नहीं और क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट किया जाएगा। करंट थोड़ा बहुत कम था। करंट थोड़ा बहुत कम था। चलिए ठीक है, अमित पासवान 115 मार्क्स लाए हैं और आज के टॉपर हैं। थोड़ा तालियां गड़गड़ाहट होना चाहिए। सुमन झा आ जाइए। सुमन झा का है 120 मार्क्स है। सुमन जी बताइए आज के क्वेश्चन के बारे में बताइए। क्वेश्चन ठीक ही है, जिस लेवल का है जो प्लेटफॉर्म का जो लेवल रहता है उस हिसाब से, और रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा रहता है प्लेटफॉर्म में। तो भाई हम लोग धैर्य के साथ 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन इजी लगता है। वही जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो वही हार्ड लगेगा यही क्वेश्चन। चलिए ठीक है, और मतलब आज के क्वेश्चन आपको कोई ऐसा पोर्शन जो भारी लगा वेटेड था क्वेश्चन? मैं करंट थोड़ा कम था, करंट थोड़ा कम था और वही है जीके का जो लेवल है वो प्लेटफॉर्म का एक ही तरीका से हो गया। अगर जो सेट मारते रह गया, अगर 50-60 सेट मार लेगा उसके बाद उसको जीके में कुछ उतना नहीं लगेगा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आपके हिसाब से कितना कट ऑफ होना चाहिए? वो तो 120 बताए थे। पीजी के लिए कट ऑफ जनरल का अगर हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो 110-112 के आसपास। नियरेस्ट 100 मार्क्स आया उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? दीजिए थोड़ा। बहुत बढ़िया मार्क है, 100 मार्क कोई खराब मार्क नहीं होता है। थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस और थोड़ा हड़बड़ा नहीं है। टाइम जितना रहता उतना टाइम लेके अगर मारें तो 10 क्वेश्चन और सही हो। और
जिसको देखिए कोई बच्चा जीके में तेज है जो बहुत सालों से पढ़ रहा है जीके, उसी का मजबूत है। जीके कोई ऐसा चीज नहीं है जो छह महीना या साल भर में मजबूत कर लेगा, हाँ छह सात महीना में मैथ रीजनिंग मजबूत कर लेगा। एसएससी में मैथ रीजनिंग मायने रखता है। अगर 75 पूछ रहा है तो उसमें 65-60 जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और 70 में 40-45 अगर जीके ला रहे हैं तो 100 वैसे ऑलरेडी टप जाते हैं। और किसी भी आदमी को कोई क्वेश्चन है इनसे पूछ सकते हैं, एनी वन बोले इस क्वेश्चन में कुछ और जुड़ना भी चाहिए था, करंट अफेयर या कोई साइंस का पोर्शन जो थोड़ा करंट जुटे, वही है 5 करंट और जुड़ सकता है इसमें, क्योंकि करंट जिस हिसाब से सिलेबस है उसमें 10-12 से करंट पूछेगा ऐसा। और मैथ समय जुड़ने का कोई मैथ ठीक है, मैथ का मैथ ठीक है, बिहार सीजीएल के हिसाब से मैथ ठीक था, मतलब ग्रुप डी का नहीं है कि मतलब 25 मैथ पूछता है तो 25 में कितना क्या पूछेगा, यही बात है ना। चलिए तालियां बजाइए थोड़ा सा टॉपर के लिए, 120 मार्क्स है। चलिए।